द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म को देखने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आया जोश। हिंदूवादी संगठनों ने पिक्चर हॉल के सामने प्रदर्शन कर योगी सरकार से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं देखेंगे तो निश्चित ही एक लव जिहाद का शिकार हो जाएंगे। यदि लव जिहाद की पिक्चर और वास्तव में ये फिल्म नहीं है, ये एक सत्यता है, ये 2001 की सत्य घटना है जो आप लोगों को यहाँ पढ़ते पर दिखाई गई है। और ये शायद भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल देखिए, जैसा कि मुस्लिम कमेटी के लोग, जैसा कि हमारी लड़कियों को भैला फुसलाकर और हम लोगों के जीवन में जहर घोलते हैं, ऐसा कि वो ना सोचें, क्योंकि आज की डेट में हमारी सारी की सारी जो भी जनरेशन है वो सब सीख रही है, और सीखने के बाद ये हमारे जीवन में अब ये चीज़ें दोबारा से ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए ये जो भी मुस्लिम कमेटी है ये अपने आप को सतर्क रखे, पहले की तरह लड़कियां अब जाग चुकी हैं और भी हम जागाने का पूरी तरीके से उनको काम करेंगे। और यही मैं सभी अपने युवा पीढ़ियों से भी यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग जागते रहें, और जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जहर हमारी जिंदगियों में घोला जा रहा है उससे एक साथ पीड़ित ना हो, अपने आप को बचाव रखें, सतर्कता बरतें अपने जीवन में। मूवी बहुत अच्छी लगी, और इस मूवी से ना बहुत बड़ा एक मैसेज मिलता है हम हिंदू लड़कियों को। जो मुस्लिम लड़के हैं ना आजकल, जो लव जिहाद के चक्कर में लड़कियों को फंसाते हैं, उस चीज का हमें बहुत बड़ा मैसेज मिला है इस मूवी से। मैं चाहूंगी हमारी देश की हर लड़की इस मूवी को देखे, क्योंकि हमें इस मूवी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कैसे बचना चाहिए, हमें मुस्लिम लोग कैसे हिंदू बन के फंसाते हैं, हमें इन मुस्लिम लोगों से बचने की बहुत बड़ी सीख मिली है इस मूवी से। यस, मेरा नाम गौरव शर्मा है, और जहाँ भी जाता हूँ हाउसफुल हो ही जाता है। और विशेषता आज के कार्यक्रम की यह है कि 320 सीटें पर मेरी बहनें बैठी थी, और कुछ बहनें मेरी जमीन पर बैठी थी, और लगभग 550 लोगों ने पिक्चर देखी है, जिसमें से मोस्टली मातृशक्ति और बहनें थी। और मातृशक्ति और बहनों को दिखाने का उद्देश्य केवल यह है कि जो 2001 में ये घटना घटी है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो आज बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। तो उस समय लव जिहाद कम था, लेकिन आज केवल पश्चिम बंगाल नहीं, भारत के हर राज्य में लव जिहाद अपना पैर पसार चुका है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा इस पिक्चर बनाने वाली उस टीम को, और अर्जुन सिंह जी को जो अलीगढ़ के निवासी हैं, जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जो हिंदू बहनों को जागरूक करेगी कहीं ना कहीं लव जिहाद से बचने के लिए। दूसरा, मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस फिल्म को तत्काल टैक्स फ्री करें, और साथ ही एक मजबूत कानून, ऐसा कानून कि लव जिहाद करने वाले मुस्लिम शख्स की रूह कांप जाए, कानून बनाया जाए, और किसी भी बहन को अब लव जिहाद का शिकार ना होना पड़े।